सरकार। ए, खुश कौन खुश है, जबरदस्ती खुशी बटोर लो। पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, अब महंगाई हो गई डार्लिंग इनकी। ये बताइए आज की डेट में आप विकास की बात कर रहे हैं, जिंदा रहेगा आदमी? जान बचाओ अभियान चल रहा था इस कोरोना काल में, अभियान चल रहा था, फिर उसके बाद आप विकास ढूंढ रहे हैं? विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं? कहाँ गया विकास? विकास तो नहीं मिल रहा हमको। अरे भैया आपकी जेब में है क्या विकास? आपके जेब में है? राम मंदिर बना है, सिर्फ राम मंदिर बनने का कोई विकास नहीं हुआ है। पहले मोदी जी आते थे मंच पे माँ से महंगाई बोलते थे, अब उनके पास माँ से महंगाई नहीं निकलता है। दिवाली में शॉपिंग तो लोग की चली रही है, लेकिन आम चीजों में जो उपयोग आती है वो है सब्जी। सब्जी के बिना खाना पूरा नहीं होता, और सब्जियों में वो भी सब्जी ताजा आलू। तो आलू के दाम कहाँ जा रहे हैं वो भी हम जानते हैं, क्योंकि हर सब्जी में जरूर पड़ता है आलू। बिना आलू के लखनऊ वालों के खास तौर से सब्जी और खाना पूरा नहीं होता है। तो भैया आलू के दाम कहाँ जा रहे हैं? आलू तो अभी दो चार दिनों से महंगा हो गया है, लगभग मान के चलिए 25 और 30 के बीच में है, क्योंकि बाहर है, बाढ़ भी है और बुवाई का सीजन चल रहा है, तो इसलिए आलू का रेट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 रुपये है, 25 से 26 रुपये और 24 रुपये मंडी का रेट है। और जाहिर सी बात है 2-3 रुपये किराया भाड़ा तौल नाम में चला जाएगा, तो हम लोगों को भी 2-3 रुपये उसी में मिल जाता है, बस 30 रुपये तक चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, प्याज के क्या दाम है? प्याज दो टाइप की आ रही है, एक बहुत मोटे साइज में आ रही है, उसका तकरीबन 30 से 32 रुपये थोक में है, और जो बहुत अच्छी कंडीशन में जो इस तरीके का प्याज है इसकी तकरीबन खरीद पड़ती है थोक में 35 से 36 रुपये, 34 रुपये। तो ये हम लोग 40 रुपये फुटकर रिटेलर में बेच रहे हैं, और वो वाली जो आती है वो 100 रुपये की 3 किलो बिक रही है। अच्छा, कोई भी सब्जी लोग गायब करते अपनी थाली से, लेकिन आलू और प्याज को गायब नहीं करते, लेकिन महंगाई का क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या लोग कम खरीद रहे हैं? नहीं देखिए, महंगाई तो बहुत सी चीज़ों पर है, कोई सब्जी ही नहीं है। सब्जी तो आदमी इंसान नहीं खाएगा तो फिर चलेगा कहाँ से, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आदमी नहीं खा पा रहा है, तो एक यही सबसे बेटर सामान है जो हरी सब्जी, जो इंसान को चला रही है परमानेंट, चाहे वो आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, अमीर हो या कोई भी हो, आराम से आदमी सब्जी खरीद रहा है। और बस ये है कि थोड़ा बहुत फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ गया है, हम लोग सन्नाटे में बैठे हुए हैं इस टाइम, त्यौहार सर पे खड़ा है, लेकिन हम लोगों को लग नहीं रहा है कि त्यौहार यहाँ पर है, किसी भी तरीके की दीपावली मालूम नहीं पड़ रही है। वरना एक समय ऐसा था कि रात के 2:30 बजे तक इस रास्ते से निकला नहीं जा सकता था, इतनी भीड़ हुआ करती थी। अच्छा, महंगाई का असर देखने को मिल रहा है मार्केट में, लोग कम दिख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अवश्य इसके लिए मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि महंगाई चरम सीमा पर है, और जहाँ तक देखा जाए तो हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। भाई जिस कस्टमर के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो मार्केट में आएगा क्या लेने आएगा? भाई पैसा होगा, जेब मजबूत होगी, तभी तो ख़रीदारी करेगा, चाहे सब्जी ही नहीं है, कोई भी अदरवाइज चीज़ हो। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ों पर फ़र्क पड़ा है, और बाकायदा सन्नाटा चल रहा है, हम लोग बाकायदा रोड पर, आप नज़र डाल लीजिए, कहीं पर भी आपको पब्लिक नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अब थोड़ा बहुत एक आधी दुकानें लग चुकी हैं, तो इस वजह से दुकानें जो है लगने के कारण एक आध कस्टमर दिखाई देता है। सीधे तौर पर मार्केट में असर देखने को मिल रहा है महंगाई का, गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो, मार्केट में निकलने से कतरा जरूर रहा है, फिर वो सब्जी की ही क्यों ना खरीदारी हो। आम लोग सोच में पड़ गए हैं, बाकी लोग भी यहाँ पे मौजूद है, उन लोगों से भी जानते हैं कि भैया महंगाई का क्या असर देखने को मिल रहा है। भैया कहाँ जा रहे हैं, कुछ इतनी महंगाई का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत बढ़ रहा है मैडम, क्या तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है, क्या बताया जाए आप लोगों से, जितनी तकलीफ वो सब बता दीजिए। क्या बताएं मैडम, आप तो पूछ पूछ के अकता जाएंगे, हम बताते बताते अकता जाएंगे, ये कह रहे हैं। खाने पीने पे असर दिख रहा है महंगाई का, अरे तेल 200 रुपए लीटर, क्या किया जाए? खाएंगे उसको? अरे बिल्कुल नहीं खाएंगे, गोदी मीडिया तो नहीं बन जाएंगे ना आप? देखिए जो आप कहेंगे वो दिखाया जाएगा, बताइए आपको दिक्कत क्या? महंगाई ये है कि आम आदमी और गरीब होता जा रहा है, और शिक्षा खत्म हो गई है मोदी सरकार में, ये है राम मंदिर बन गया, सब जाके वहाँ घंटा बजाओ, प्रसाद बेचो और भीख मांगो, बस। सरकार से आपको काफी दिक्कतें हैं? कोई सिलेंडर इतने कांग्रेस के राज में या सपा के राज में था, तब तो स्मृति ईरानी तो पता नहीं कहाँ, तब तो सिलेंडर सर पे रख के धरना रहती थी, पेट्रोल महंगा सब कुछ, अब नहीं, अब सब गायब हो गए, अब तो सब पूंजीपतियों के वो बैठे बने बैठे हैं, मोदी जी साफ बोल रहे, मोदी योगी सभी लोग, बताइए क्या कर रहे हैं? अंकल जी कह रहे हैं मोदी लूट लिया, मोदी जी नाम बताइए, नाम बताइए।
साजिदा बेग। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सब चीज की दिक्कत है, किस चीज की बताएं, बताइए। जो महंगाई महंगाई जहाँ जा रही है, इतनी बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, खाना पीना इंसान अच्छे से नहीं खा पा रहा, इलाज भी नहीं करवा पा रहे, सब चीज की दिक्कत है, किस चीज की बताएं। डीजल पेट्रोल महंगा है, अभी देख प्याज महंगा है, खाने सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है, टमाटर 80 रुपए लीटर है। गवर्नमेंट को तो पता नहीं रेट क्या होता है, तो उनको आ रहे मालपुआ खा रहे हैं। जनता से पूछे ना क्या हालत गुजर रही है इनके ऊपर, न मोदी सरकार सोच रहे हैं, न योगी सरकार सोच रही है, सब अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये क्या मजाक बना के रखे हैं लोग, पैसा बटवा रहे हैं पेट्रोल से, चूस चूस के पब जनता को है, करोड़ों 50,000 करोड़ का संसद भवन दोबारा बनवा रहे हैं। और सरकार आपको पसंद नहीं है? क्या पसंद सरकार को यार, कोई काम नहीं किया सरकार ने, कुछ भी नहीं किया, ढेला बंद नहीं किया। अच्छा, आज ही पेट्रोल डीजल के रेट पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है? क्या चीज आप बताइए सस्ती है, क्या बताइए आप बताइए, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या सस्ता है। चर्चा के लिए बुलाया तो क्या कुछ सस्ता नहीं होगा? आदमी सस्ता है बस, किसने काम किया महंगाई पे? महंगाई पे नहीं, मतलब सामने का काम अपने नाम मोहर लगा ली उन्होंने, केजरीवाल जी ने किया है काम। काम महंगाई काम जो है, जो भी काम किया केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है। हम चाहते हैं आम आदमी पार्टी यहाँ आए, केजरीवाल शान सस्ता है, ये बात तो सही। चाहे ट्रक से कुचल दो, चाहे ऑटो से कुचल दो, जिससे जाओ मार दो, बस वही सस्ता है, कुछ नहीं सस्ता है। चुनाव का माहौल आप खुश नहीं नजर आ रहे सरकार? अरे खुश कौन खुश है, जबरदस्ती खुशी बटोर लो। अच्छा, हम चाहेंगे जितने लोग यहाँ पे मौजूद है सब एक एक करके अपनी परेशानियाँ और कमियाँ बताए सरकार की। देखिए, पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, अब महंगाई हो गई डार्लिंग इनकी। अच्छा। अब ये पूरी किसकी डार्लिंग? मोदी जी की। पहले मोदी जी आते थे मंच पे, माँ से महंगाई बोलते थे, अब उनके पास माँ से महंगाई नहीं निकलता है, यहीं आते हैं लखनऊ में आते हैं, लेकिन एक बार भी ये महंगाई के ऊपर नहीं बोलते हैं। कितने कितने कारण हुए थे, उन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल नहीं बोलते हैं। विकास पे क्या कहेंगे? विकास तो बहुत कर रही है बीजेपी। विकास अभी उनका अभी गोदी में था, अभी गोदी से उतरा नहीं है। देखाइए इंदिरा नगर की सड़क देखाइए, विकास के बारे में आप कुछ बताएं। आज ही चार आशुतोष टंडन जी ने आज ही उद्घाटन किया चार रोडों का, आप देखिए तो ना, रोड बनने काम चालू हो गया। अरे अरे, महंगाई आज कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, पहले महंगाई सरकार क्या करे, ये बताइए। महंगाई की बात कर रहे हैं आप, है 75 करोड़ इंजेक्शन लगे, वैक्सीन लगी, उसका क्या करेंगे आप? नहीं, पहले वैक्सीन कहाँ लगती थी, कोरोना पहली बार आया। एक मिनट सर, एक बात बताइए, क्या बात कर रहे हैं? सरकार का काम है वैक्सीन लगवाने का, अगर सरकार ने लगवाया है तो उसकी जिम्मेदारी क्या जनता की है? बताइए, 2.5 साल में जो कोई काम हुआ, मतलब खुला कुछ, 2.5 साल चला गया ना, कोरोना काल में चला गया ना, ये बताइए। आज की डेट में आप विकास की बात कर रहे हैं, जिंदा रहेगा आदमी, जान बचाओ अभियान चल रहा था इस कोरोना काल में, हैं, जान बचाओ अभियान चल रहा था, फिर उसके बाद आप विकास ढूंढ रहे हैं, विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं। भैया कहाँ गया विकास तो नहीं मिल रहा हमको। अरे भैया, आपकी जेब में है क्या विकास? आपके जेब में है, हमको दिखाइए विकास, हमको विकास दिखाइए, हमको विकास हो रहा है, इनके घर में विकास हो रहा है, घर में विकास हुआ होगा। आज महंगाई के ऊपर सब्जी मंडी में आप आए हैं, सब्जी मंडी में देख लीजिए क्या हाल है, आज ही हुआ है, आज देख लीजिए जाके काम का। सुनिए, चिल्लाइए नहीं भैया, चिल्लाने से विकास नहीं होता, चिल्लाइए नहीं विकास देखिए। मेट्रो मायावती जी ने वो किया था लखनऊ के लिए, ठीक, अखिलेश यादव, अखिलेश उसमें बना, ये आगे रिबन काटने, विकास हो गया, ठीक, ममता बना है क्या, विकास नहीं हो रहा दोबारा 14 में। मैडम कह रही है कि सपा और बसपा ने काम किया था, उसका रिबन काटा है बीजेपी, क्योंकि नेत्र में सरकार बनने जा रही है और राम मंदिर बना है, सिर्फ राम मंदिर बनने के बाद कोई विकास नहीं हुआ है। ये अभी बताइए, चुनाव आने वाला है, त्रिपुरा जल रहा है इस समय, त्रिपुरा जल रहा है, मोदी जी ने एक बार भी त्रिपुरा के ऊपर कुछ बोला नहीं, अब चुनाव आ गया, दंगे होंगे, विकास हुए, हर चीज, हर कॉलोनी अच्छा है, रोड अच्छा है, भले महंगा है सब्जी थोड़ा महंगा, पेट्रोल महंगा है, उनसे कोई मतलब नहीं, बाहर महंगाई से संतुष्ट है, हम महंगाई से संतुष्ट है, महंगाई से कोई संतुष्ट नहीं है, विकास सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मोदी जी, विकास से संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं, महंगाई से बहुत, सड़कें बन रही है, क्या
सड़कें बन रही हैं। सड़कें अब मूलभूत कुछ चीजें होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आएगी तो बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। ये बताइए, बच्चा पढ़ता है अगर 17 नंबर से नीचे लेके आता है 50 में, आप 15 नंबर को गिनाएंगे तो आप उसको फेल बोलेंगे या पास बोलेंगे? पास वही होता है ना जो 33% के ऊपर लेके आता है। आप अगर 10% काम करें, आप 10% को गिना के आप अपने आप को पास नहीं कह सकते हैं। पास होने के लिए 33 के ऊपर होना चाहिए और फर्स्ट क्लास के लिए आपको 90% के ऊपर लेके आना चाहिए। आप बिल्कुल दूर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्यों कह रहे हैं? अब देखें कहाँ नहीं भ्रष्टाचार, ये कैसे रोका है? कुछ नहीं रोका है। अच्छा, बहुत लोग तो खुश दिखाई दे रहे बीजेपी के काम से, कह रहे कि हम मेहंदी को वोट देंगे, कितनी महंगाई। हम भी हंसते हंसने हो गई, हम भी हंसते, बहुत खुश है। दिल से पूछे कुछ नहीं, खुश है, कुछ नहीं है। अच्छा, महंगाई का कितना असर देखने को मिल रहा है घर पे? कम है। अरे अभी हमने बताया को टमाटर 80 रुपए बिक रहा है। अच्छा, त्योहारों पे क्या महंगाई की वजह से शॉपिंग नहीं करेंगे? जो करना हो तो आदमी चाहिए, कैसे लाए? दो गोभी लेना है, एक लेगा। अच्छा, इस तरह से मैंने। अरे क्यों नहीं। अच्छा, घर का बजट कैसे मेंटेन करी इतनी महंगाई में? घर का बजट पूरी तरीके से हिला हो, यही है कि भाई बच्चे ऑनलाइन पिछले साल पढ़े थे, इस साल बच्चों घर बैठा दिया, भैया खाने में तो नहीं रह जाएगा, खाया तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो पढ़ाई तो सब वो हो गई। रात स्कूल से कोई मतलब नहीं, स्कूल वालों को तो पूरी फीस सही है, आपके घर में चूल्हा जले चाहे, सरकार को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बीजेपी के कामों के बारे में बात कर रहे थे, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं कुछ कहते हैं कि भैया सरकार कुछ करे? नहीं, बिल्कुल उस पर विचार कर भी रही है सरकार। ऐसा नहीं पहले महंगाई नहीं थी भाई, आज की डेट में कुवैत में 80 रुपया 60 पैसा में तेल बिक रहा है, पेट्रोल जो कुवैत में जहाँ कुएं हैं, कच्चा तेल बताइए। जब इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होता है तेल, लेकिन तब भी यहाँ पे रेट बढ़ता ही है, क्यों? वहाँ घटता है तो यहाँ पे क्यों नहीं घटता? उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के नेतृत्व में पूरा चल रही है, 14,000 करोड़ की सब माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करके और 475 इनकाउंटर करके उत्तर प्रदेश को बदमाशों से मुक्त कराने का काम योगी जी ने किया है। इससे बड़ा इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, चाहे बसपा का हो चाहे सपा की सरकारों में माफिया को अपने बगल में बैठाया जाता है। बिल्कुल, तो काम भी हो रहा है सरकार में और लोग उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, विकास चल रहा है। कुछ लोग हमें खुश दिखे, कुछ लोग ना खुश दिखे, कुछ लोग महंगाई से परेशान है, कुछ लोग सरकार के काम से परेशान है, हो सकते हैं। तो अब जनता की राय आपने देख ली है, अब महंगाई का मुद्दे को लेके हम निकले थे, तो महंगाई से लोग त्रस्त हैं, और अब हमने देखा सुना जाना कि लोग काफी परेशान हैं। महंगाई, दिवाली और शॉपिंग, तीनों के बारे में हमने जाना कि महंगाई कितनी है, दिवाली पे शॉपिंग कैसी हो रही है लोगों की, और सरकार के बारे में भी जाना कि सरकार से लोग कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। हालांकि कहीं पे तो लोग लड़ने भी लग गए, लेकिन महंगाई पे इसका असर कुछ नहीं पड़ रहा है। दिवाली की शॉपिंग करने वाले कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कम शॉपिंग करके भी अपनी दिवाली मना रहे हैं। तो दिवाली हम भी चाहते हैं कि सब लोग हंसी खुशी के साथ मनाएं, जितनी भी नाराजगी है उसको दूर रखें, लेकिन त्योहार को अच्छे से मनाएं। फिलहाल महंगाई की इस रिपोर्ट पर और दिवाली से जुड़ी शॉपिंग की इस रिपोर्ट पर इतना ही। मैं शिखा मेहरोत्रा, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ, प्राइम टीवी लखनऊ। चुनाव का माहौल, आप खुश नहीं नजर आ रहे सरकार? खुश कौन खुश है, जबरदस्ती खुशी बटोर लो। पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, अब महंगाई हो गई डार्लिंग इनकी। ये बताइए, आज की डेट में आप विकास की बात कर रहे हैं, जिंदा रहेगा आदमी? जान बचाओ अभियान चल रहा था, इस कोरोना काल में अभियान चल रहा था, फिर उसके बाद आप विकास ढूंढ रहे हैं? विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं? कहाँ गया विकास? विकास तो नहीं मिल रहा हमको। अरे भैया, आपकी जेब में है क्या विकास? आपके जेब में है? राम मंदिर बना है, सिर्फ राम मंदिर बनने के बाद कोई विकास नहीं हुआ है। पहले मोदी जी आते थे मंच पे, माँ से महंगाई बोलते थे, अब उनके पास माँ से महंगाई नहीं निकलता है।